हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो फाइनली माइक्रोमैक्स इन वन, इंडिया का नया ब्लॉकबस्टर, ऐसा माइक्रोमैक्स ने इसको बोला है। लेट्स चेक आउट क्या वाकई में स्मार्टफोन ब्लॉकबस्टर है या फिर नहीं, बिकॉज अभी सीन कुछ ऐसा है कि पिछले 5 से 6 दिनों से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके यूसेज में काफ़ी कुछ पता लगा है इस फ़ोन के बारे में। बट यार देखो, मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं डाला था बिकॉज मुझे लगा कि अनबॉक्सिंग तो वैसे ही आप लोग इतनी सारी देख चुके होंगे, तो सीधा रिव्यू कर डालते हैं इस फोन का, ताकि एक ही वीडियो से सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली में ये स्मार्टफोन कैसा है, कैसा परफॉर्म करेगा रियल लाइफ में और किन लोगों के लिए एक्चुअली में फोन सुटेबल होने वाला है, सबके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को एक क्विक सी अनबॉक्सिंग के साथ। तो बॉक्स के अंदर एक्चुअली में इस बार काफी कुछ डाल के दिया है। सबसे पहले एक प्रोटेक्शन प्लान देखने को मिलता है जिसके अंदर वारंटी और स्क्रीन डैमेज वगैरह के बारे में कुछ लिखा हुआ है। सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाता है। फ्रंट के लिए एक स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया हुआ है। बैक के लिए भी इस बार कवर बॉक्स के अंदर डाल के दिया। कुछ यूजर मैनुअल वगैरह का है। टाइप सी केबल, 18 वाट का फास्ट चार्जर एंड ऑब्वियसली एक स्मार्टफोन जो है यहाँ पर मेरे पास इस पर्पल कलर में एक्स पैटर्न के साथ मेटेलिक फिनिश है, मतलब कुछ मैट फिनिश है जिसमें कुछ भी स्मॉर्जेस वगैरह नहीं आते, ना ही कुछ स्क्रैच आएंगे। इसको देख के तो यही पता लग रहा है। एंड इसका जो वेट है वो कुछ 202 ग्राम यहाँ पर निकल गया है। तो ओवरऑल लुक एंड इन हैंड फील वाइज मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सही है। तो देखो, माइक्रोमैक्स ने इस फोन को लॉन्च किया है 10,500 की प्राइस में। आई मीन 4GB रैम, 64GB वाले स्टोरेज वेरिएंट की मैं बात कर रही हूँ जो मेरे पास है। लेकिन एज ए इंट्रोडक्टरी ऑफर आप इसको 10,000 की प्राइस में परचेस कर सकते हो। तो ऐसे 10,500 की प्राइस को कंसिडर करके अगर मैं बोलूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस फोन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है। सबसे पहली चीज़, फ़ोन के स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा लाउड, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प और एक डेप्थ देखने को मिलती है जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे काफ़ी सही लगे हैं फ़ोन के स्पीकर। 3.5mm जैक का जो ऑडियो आउटपुट है वो भी काफ़ी सॉलिड है। तो ओवरऑल मुझे ऐसे ऑडियो डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा स्मार्टफोन। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हमें सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज को कंसिडर करके अगर देखा जाए तो हाँ, डेफिनेटली एक रेयर चीज़ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, करियर एग्रीगेशन का हमें सपोर्ट देखने को मिलता है फ़ोन के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगी। देखो, मेरे घर में ना 3 सिम है मेरे पास, जियो, वोडाफोन और एयरटेल। इनमें से सिर्फ जियो की सिम ही ऐसी है जहाँ पर मुझे 4G प्लस के सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। तो मैंने तीनों सिम इसमें डाल के देखी, सिर्फ जियो की सिम में ही 4G प्लस सिग्नल्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कोने में ही आ रहे थे। बट हाँ, इस फ़ोन के अंदर हमें स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है जो कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस करता है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आता इतना। इसके पीछे रीज़न वही है यार कि एकदम नीट एंड क्लीन होता है तो थोड़ा सा बोरिंग फील करवा देता है। कस्टमाइजेशन के इतने सारे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस नहीं देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा बोरियत फील करवाती है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव भी लगता है कुछ लोगों को। उसके पीछे रीजंस है कि ब्लॉटवेयर्स नहीं देखने को मिलता है, एकदम लाइट सा पूरा फ़ोन फील होता है कि एकदम खाली सा UI है, ना कोई एड्स का पंगा वगैरह देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से अच्छा है। इनफैक्ट यार, पिछली बार माइक्रोमैक्स ने मतलब खुद की गैलरी एप्लीकेशन तो डाल के दी थी, इस बार तो वो भी हटा दी है। लेकिन हाँ, इनबिल्ट आपको स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह देखने को मिल जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि जो गूगल डायलर होता है, जो बेचारा बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोल देता है कि भाई तेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, वो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी इस बार यहाँ पर नहीं है। होपफुली बहुत ही जल्द अपडेट के थ्रू आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है। बट हाँ, इसके अलावा एक चीज मेंशन करना बनता है कि अभी फिलहाल ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 पर रन कर रहा है, लेकिन माइक्रोमैक्स ने ऐसा प्रॉमिस किया है कि अगले 2-3 महीनों में एंड्रॉइड 11 का अपडेट भी आ जाएगा और नेक्स्ट 2 साल के अपडेट्स भी प्रॉमिस कर दिए। तो अपडेट के हिसाब से काफी सही सीन होने वाला है। वैसे अगर बात करो तो परफॉर्मेंस के हिसाब से MediaTek का Helio G80 चिपसेट है और एंतुतु स्कोर काफ़ी सॉलिड निकल के आया है। वैसे तो मैं एंतुतु स्कोर्स पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करती, लेकिन हाँ, देख के अच्छा लगता है कि स्कोर काफ़ी सही है। तो मैं वैसे परफॉर्मेंस के बारे में आपको रियल एग्जांपल देती हूँ कि मैंने जितना भी इस फ़ोन को यूज़ किया है, नॉर्मल यूसेज की बात करो चाहे आप गेमिंग की बात करो, मुझे गेमिंग वगैरह के हिसाब से परफॉर्मेंस सही देखने को मिली है फ़ोन के अंदर। यूज़र एक्सपीरियंस भी डे टू डे लाइफ में अच्छा है। लेकिन यार, एक चीज़ होती है ना कि जैसे ही नाम सुनते हैं कि स्टॉक एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन है, तो कैसा फील होता है ना कि एकदम स्नैपी होगा, खट 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 हर चीज़ खुल जाएगी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो उतना भी मतलब मैं बोलूँगी सीमलेस एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ है। हल्के फुल्के लैग्स इधर उधर देखने को मिले, तो थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की कमी है डेफिनेटली। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फ़ोन वार्म नहीं, हीट होता है यहाँ पर। एक्चुअली में मुझे मेरे फ़ोन में हीटिंग इशूज़ देखने को मिले हैं। बैक पैनल ही नहीं हीट होता है, फ्रंट का डिस्प्ले भी हीट होते हुए मुझे देखने को मिला है। अबे
मतलब ऐसे नहीं कि यार मैं जब हैवी टास्क परफॉर्म कर रही हूँ, मतलब हाई ग्राफिक गेम खेल रही हूँ, तब हीट होता है, चलो वो माना भी जाता है। लेकिन मैं ऐसे मल्टी टास्क भी कर रही हूँ, नॉर्मली दो तीन एप्लीकेशन मैं चला रही हूँ, तब भी फ़ोन कुछ टाइम के बाद हीट हो जाता है। और सिर्फ बैक पैनल ही हीट नहीं होता है, फ़ोन की फ्रंट की डिस्प्ले भी हीट होती है एक्चुअली में, जो मुझे थोड़ा अलग ही इशू लगा है। अभी मुझे नहीं पता कि ये इशू पर्टिकुलरली मेरी यूनिट में है या फिर ओवरऑल सबको देखने को मिल रहा है। आई मीन जब आप फ़ोन परचेस करो तो मुझे बताना कि आपको भी इस तरह का इशू आ रहा है या फिर नहीं। क्योंकि माइक्रोमैक्स के साथ होता क्या है ना कि इनकी कुछ यूनिट्स में कई कई बार फॉल्ट होता है, बाकी यूनिट्स ठीक होती है। जैसे पिछली बार इन नोट 1 जब आया था, कुछ कुछ डिफेक्ट था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जबकि मेरी यूनिट एकदम इंटैक्ट थी। लेकिन इस बार कुछ लोगों का मैंने वीडियो देखा जहां पर उनकी यूनिट्स में थोड़ा क्रैकिंग सा साउंड आ रहा है, लेकिन मेरी यूनिट इस बार भी एकदम इंटैक्ट है, लेकिन मुझे हीटिंग इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है फोन के साथ। बाकी अभी आगे बढ़ने से पहले यार, अगर आप लोगों ने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और इस तरह के वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हो तो। और सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करना, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट खैर, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फ़ोन का जो वन ऑफ दी मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर है उसके बारे में, जो है इस फ़ोन की डिस्प्ले, और मेरे अकॉर्डिंग पूरी तरह से जस्टिफाइड भी है। 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहली चीज़ तो इस प्राइस रेंज में फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, जो अच्छा है। लेकिन यार, अगर आप मेरे पुराने, मतलब आप मुझे अगर रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि मेरे लिए एस्थेटिक्स और वाइब्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ऐसे अगर डिस्प्ले फ्रंट से दिखने में ही अच्छी नहीं लगेगी ना, तो ओवरऑल मेरे लिए वो फोन फिर इतना ज्यादा मैटर ही नहीं करता, बिकॉज सबसे ज्यादा इंटरेक्शन फोन के डिस्प्ले के साथ ही होता है। तो ऐसे बेजल्स वगैरह कम होने चाहिए, चिन पतली होनी चाहिए जो इस फोन के अंदर है, पंच होल का जो साइज है वो भी काफी डिसेंट सा छोटा सा है। तो ओवरऑल डिस्प्ले दिखने से फ्रंट से काफी ज्यादा सही है, यूज करोगे तो और भी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, बिकॉज फोन की डिस्प्ले की क्वालिटी काफी सही है। कॉन्टेंट वगैरह आप देखोगे तो काफी वाइब्रेंट कलर्स दिखाता है, व्यूइंग एंगल्स वगैरह सब कुछ कमाल के निकल के आते हैं। बस एक चीज है कि आउटडोर्स में जब जाओगे तो थोड़ा सा ब्राइटनेस को लेकर आपको इशू होगा, लेकिन वो जनरली IPS LCD डिस्प्ले में आता ही है। वैसे 440 nits की पीक ब्राइटनेस है, लेकिन हाँ ओवरऑल डिस्प्ले मेरे अकॉर्डिंग एकदम ऑन पॉइंट में यहाँ पर बोलूंगी। एंड हाँ, वाइड वाइन लाइसेंस L1 सर्टिफाइड भी है, जो काफी सही चीज है। बट एनीवेज, अभी आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ कि फोन के अंदर डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, मतलब दो सिम के साथ अलग से स्टोरेज कार्ड डाल सकते हो। डुअल वोल्टी है फोन के अंदर, डुअल वो वाईफाई का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब वाईफाई कॉलिंग वगैरह आप दोनों सिम के साथ कर सकते हो फोन के अंदर। एक चीज मैं बोलूंगी, काफी लोगों को ऐसे क्रैकिंग सा साउंड सुनाई दे रहा है, तो वैसा तो मेरी यूनिट में मुझे कोई भी चीज की कमी नहीं लगी है। लेकिन हाँ, एक चीज है, पीछे की तरफ से ये प्रेस होता है यहाँ पर, तो थोड़ा सा गैप डेफिनेटली इसमें बना हुआ है। इसके अलावा जो पीछे की तरफ का फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये एक्चुअली में एकदम मक्खन है, काफी फास्ट, काफी एक्यूरेट मुझे फील हुआ है। बाकी अगर बात की जाए फोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो 5000 mAh की बैटरी दी हुई है विद 18W फास्ट चार्जर। अगर आप इसको लेकर कंसर्न होगे कितनी देर में चार्ज हो जाए, तो 0 to 100% जो मुझे यहाँ पर टाइम लगा है वो था 2 घंटे 27 मिनट के आसपास, मतलब आप मान के चलो 2.5 घंटा ले लेगा ये फोन 0 to 100% चार्ज होने में। बट एनीवेज यार, अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात अगर की जाए फोन के कैमरा डिपार्टमेंट की, तो कैमरा मॉड्यूल को देख के ऐसा लग सकता है जैसे फोन में 4 कैमरा है, लेकिन एक AI का ठप्पा लगाया हुआ है। कैमरा 3 ही है, 48 MP प्राइमरी, 2 MP डेप्थ, 2 MP मैक्रो। अभी ऐसे अगर आप नॉर्मल डे टाइम पर फोटोज निकालोगे तो नॉर्मल मोड में आपको काफी अच्छी खासी फोटोज देखने को मिल जाती है, डिटेल्स वगैरह बहुत सही रख लेता है फोन, सैचुरेशन वगैरह सब कुछ अच्छा लगा है मुझे यहाँ पर, एंड ओवरऑल मतलब डिटेल वगैरह के हिसाब से मुझे सही लगी है फोटोज। एक चीज का मैं अगर इशू बताऊं तो वो है फोन का पोर्ट्रेट मोड। जनरली भी पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन को लेकर फोन थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा गड़बड़ किया हुआ है, और यही सेम चीज मुझे फोन के फ्रंट कैमरा के पोर्ट्रेट मोड में भी देखने को मिली है। तो पोर्ट्रेट मोड के अलावा अगर मैं बात करो तो वैसे नॉर्मल मोड में अगर फोटोज निकालोगे तो वहां पर अच्छी खासी डिटेल्ड शार्प फोटो आपको देखने को मिल जाएगी, जो मुझे अच्छा लगा है। एंड अगर आप लो लाइट में भी फोटोज निकालते हो ना, तो यहाँ पर नाइट मोड भी दिया हुआ है, तो ऐसे बहुत ज्यादा लो लाइट में अगर फोटो निकालोगे और फिर नाइट मोड को ऑन करके फोटो निकालोगे तो अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा, इनफ ब्राइट फोटो देखने को मिल जाती है, जो मुझे काफी सही चीज लगी है। इनफैक्ट आर्टिफिशियल लाइट में, मतलब इंडोर्स में ट्यूबलाइट वगैरह में भी फोटो निकालोगे तो वहां पर भी फोन का कैमरा काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर जाता है। तो ओवरऑल वैसे
से मैं बोलूंगी कि हाँ 10,500 की प्राइस को कंसिडर करके देखा जाए तो कैमराज एक्चुअली में अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस वगैरह भी बनाते हो तो फोन के फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ से आप 1080p तक की सेटिंग में वीडियो बना सकते हो। लेकिन बेस्ट पार्ट पता है क्या, EIS का सपोर्ट दिया हुआ है, और वो भी रियर साइड में ही नहीं, फ्रंट साइड में भी। तो वैसे अगर आप EIS को ऑन करके वीडियो बनाते हो ना तो काफ़ी अच्छा खासा स्टेबल वीडियो बनेगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल फ्रेम को थोड़ा सा जूम कर लेता है EIS को अगर ऑन करोगे तो, लेकिन हाँ स्टेबल वीडियो मिल जाता है वहाँ से। बट एट दी एंड मैं बस इतना ही बोलूँगी कि अगर आप ऐसे 10,000-11,000 की प्राइस में एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हो जहाँ पर आपको एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस हो, एड्स वगैरह ना देखने को मिले, एक अच्छी डिस्प्ले अगर आपको चाहिए, देन ये फ़ोन आई गेस आपकी लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए। बाकी तो इस वीडियो से समझ में आ ही गया होगा कि आपके लिए फ़ोन एक्चुअली में है या फिर नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया है, किसी भी वे में हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।